मीनाक्षी मेरे अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने घर का जो फ्रंट एरिया है वो आपको दिखाना चाह रही हूँ। अभी तक मैंने आपके सामने ये वीडियो शेयर नहीं की है, तो आज मैं वही कर रही हूँ किस तरह से आप थोड़े से एरिया में अपने गार्डन को या अपना ऑर्गेनिक सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, आप देख ही रहे हैं, ये मैंने एक नीचे स्टैंड बनाया हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है इसको। मैंने यहाँ पर एक बोतल के जरिए प्लांट तैयार किए हैं। ये छोटे से बोतल के होने की वजह से स्पेस काफ़ी मिल गया है और मेरे काफ़ी सारे प्लांट आए हैं। और यहाँ पर मैं गुलाब के खिले हुए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ गुलाब की। तो यहाँ पर लगने से फ़ायदा ये हुआ है कि आप काफ़ी सारे प्लांट रखते हैं और स्पेस भी बहुत कम लिया है, लेकिन मैंने इस स्पेस को इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ किया है कि मेरे से काफ़ी सारे प्लांट आ रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर भी एक रोड सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैं अपना हैंग करने वाली बोतल मैंने अभी टांगी हुई है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ये देखिए, इसमें आपको फ्लावर भी दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए, इसमें ऑरेंज कलर का फ्लावर खिला हुआ है। ये देखिए, ये मेरा आलामंडा खिल रहा है। तो अभी इनका फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि एक तो प्लांट का रखने का सिस्टम इतना अच्छा हो जाता है कि नीचे से जो धोने में सिस्टम बड़ा अच्छा हो जाता है। आपको धोने में कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। साथ में जब हमारे पॉट ऊपर आ जाते हैं तो इनकी लाइफ टाइम जो मेंटेनेंस है वो बढ़ जाती है। आपको बाबा उतारने का और रखने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए, ये मेरे कितने बड़े हैं, इसमें कितना फूल खिल रहे हैं, इसमें गुलाब के फूल भी खिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है छोटे से बोतल में, जो हमें यकीन भी नहीं आने का कि हमारा इस बोतल के जरिए प्लांट खिल सकता है, हम फेंक देते हैं। देखिए, रियूज बोतल में देखिए कितना प्यारा फूल खिल रहा है। देखिए, तो आप भी इस तरह से अपना ऑर्गेनिक गार्डन तैयार कर सकते हैं। जो घर में जो भी आपकी बेकार की बोतल है, जिसमें मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया है, ये धीरे धीरे मैं आपको सब दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा मॉर्निंग ग्लोरी, जिस पर अब धूप ज़्यादा आ गई है तो ये अब थोड़ा बीज बनने शुरू हो गए हैं। तो मैं इनके भी सीड्स तैयार कर रही हूँ, उसमें बर्ड्स आ रही है काफ़ी। देखिए, बर्ड्स भी आ गई है, तो ये खिलने लगे हैं। आप सबके सब आगे भी दिखाऊंगी मैं आपको फूल खिलते हुए। मेरा आ गया है आपका बोगनवेलिया। तो काफ़ी टाइम से ये मेरे इतने अच्छे चल रहे हैं कि एक छोटे से स्टैंड से ही फ्रंट एरिया मेरा काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। ये देखिए, इसमें पिंक कलर का खिल रहा है। ये देखिए, तो धीरे धीरे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा छोटी सी बोतल है, बोतल का कह सकते हैं हम, इसमें लोहे का कंटेनर है, इसमें मैंने प्लांट लगाए हुए हैं। ये देखिए, पिंक कलर का फूल कितना प्यारा खिल रहा है। तो ऐसा कहना गलत होगा कि हम वाटर बोतल, जो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसमें कुछ नहीं लगा सकते। आप इसमें भी लगा कर प्लांट तैयार कर सकते हैं और अपने घर को एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। यहाँ पर एक मैरून कलर का फूल भी खिला हुआ है। ये देखिए, अभी खिल ही रहा है, बस प्यारा खिल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि है ना, इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के जरिए भी हम काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपके सामने ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ ज़्यादा बड़ा ना हो और आप बोर ना हो, क्योंकि मैं कब से चाह रही थी आपको दिखाना है ताकि आपको इस तरह आइडिया मिल जाए कि आप इस तरह से भी अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं बिना किसी पैसे खर्च किए, छोटे से जेब खर्चे में, जो आपके घर में ही पड़ा हुआ कचरा होता है उसके जरिए भी आप अपने घर में एक अच्छा सा प्लांटर बनाकर या फिर पॉट तैयार करके अपना अच्छा सा एक ऑर्गेनिक सिस्टम तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है। और मुझे इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, बस मैंने इसमें थोड़ा सा पेंट किया है बोतल को और थोड़ी सी इसकी वैल्यू बढ़ाई है। आप चाहें तो कर सकते हैं और ना चाहें तो आप बिना पेंट के भी आप बोतल तैयार कर सकते हैं। ये मैं छोटा सा बोगनवेलिया, जो अच्छा हो रहा है, देखिए मिनी पोट में कितना प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने किस तरह से ये कराया। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो आप भी करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये छोटा सा जो मेरा ऑर्गेनिक गार्डन है, ऑर्गेनिक सिस्टम मैंने बनाया है, जो कम खर्चे में मेरा चल रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा है, कैसा लगा आपको जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।